हेलो गाइस, तो आज हम लेडी शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। मीनावाटी लेडी शर्ट कटिंग, तो उसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। शर्ट लंबाई 19, चौड़ाई 34, कमर 32 है, बाजू बाजू की लंबाई 19 है, ये वाले कप 10 है। तो पहले मैंने चार्ट बनाए, इसके अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे लेडी शर्ट की। तो चलिए हम होंगे इसकी कटिंग। तो इसके लिए हमने 1.25 वो लिया है कपड़ा। तो उससे सबसे पहले हम इन दोनों को मिला लेंगे, दो पार्ट है, ऐसे दो पार्ट मिला लेंगे। दो पार्ट मिला के ऐसे करना है, ऐसे सीधे रखेंगे इसको, ऐसे रखेंगे जो इसके आगे की पट्टी बन जाएगी, दोनों पट्टी तैयार हो जाएगी आगे की। इससे इसको आगे थोड़ा सा पलटना होगा, तो इससे आगे की पट्टी हम तैयार करेंगे। इसी से हम अलग नहीं जोड़ेंगे, इंची में से बना लेंगे। तो उसके लिए हमारे को यही करना होगा, थोड़ा सा यह है 1 या 1.5 इंच, 2 इंच के लगभग आप रख सकते हैं इसको। तो हमने 19 लंबाई ली थी, तो हम उसमें 2 प्लस रख के आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। वैसे हमें तो 1.5 रखते हो, अगर आप 2 भी रखते हो तो कोई परेशानी नहीं है, 2 मिनट से ले सकता है। तो हमने 19 रखी थी लंबाई, तो हम रखेंगे 1.5 इंच प्लस करके रखेंगे, तो 20 के लगभग इसकी लंबाई पे बैठेगी। तो हम चौड़ाई भी ले लेंगे, चौड़ाई में 4 2 प्लस इधर, 2 प्लस इधर, 4 प्लस करना पड़ेगा। तो हम इधर मुड्डे की तरफ निशान लगा देंगे, इधर लेना होगा हमको 9.5 के लगभग निशान लगेगा, 4 हिस्सा करेंगे। तो मुड्डे के लिए हमको 1.5 इंच तक दबाना होगा। इसको आप ऐसे भी नाप सकते हैं। वो 8.5 को ही मुद्दा बैठे हैं, 8.5 7। यहाँ पर 9.5 लगेंगे। कमर का 8 8 या 8.5 करोगे कमर में बैठेगा। यहाँ से 4 इंच पे निशान, 3.5 या 4 इंच पर निशान लगा लेंगे कट के लिए। यहाँ से हमें 1/2 इंच की गोलाई करनी होगी, 1/2 इंच या 1 इंच की थोड़ी सी गोलाई करनी होगी।
हमने निशान लगा लिया, और यहाँ से निशान लगाने के यहाँ आगे 3 इंच के लगभग मैंने यहाँ निशान लगा लिया कॉलर के लिए, 1.5 इंच इधर लगा लिया कॉलर के लिए, आप 2.5 इंच ले सकते हो। यहाँ से थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 साढ़े 7 के लगभग अच्छी होती है, तो इसको अब मैं इसी को टर्न कर लेना। जी मैंने कर दिया है, इसको ऐसे करके इसको डबल करना है, पाचे वाले पीछे वाला बैक वाला कपाट बनाना है मैंने, इसको लोग अच्छे से मिला है। पार्ट को इसी के ऊपर रखना है, फिर बैक वाला पार्ट को लिया करना है इसी के नाप का, थोड़ा सा इससे 1 इंच एक्स्ट्रा काटना है मैंने। यहाँ से कपड़े इसमें थोड़ा यहाँ से थोड़े से ये कर दो, बाजू के लिए हमें दो बाजू करने पड़ेंगे, दो ये दो पार्ट एक ही है, ये वाले का पार्ट बाजू हमारी 19 थी, चार पार्ट हो गए, एक दो एक चार हो गए, इसको चार पार्ट वाइज करना पड़ेगा। चलो
शादी आठ कलाक हो गई, तो इसके में स्टीम भी लगाएं। दस्ती तो का आठ कलाक हो गया सुबह के, साढ़े चार बजे से वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसको अगर आप इसे पूरा नहीं देखोगे, एक दो बार देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखना नहीं देखना ये सब बराबर की बात है, बिल्कुल समझ में आएगा। एक दो बार इनको देखना होगा, फिर ट्राई करना होगा, उसके बाद में समझ में आएगा। सर बहुत ईजी नहीं होती, जितना हम समझते उतना ईजी नहीं होती। यहाँ पर चार लगा दें, जो कपड़ा बचा है एक्स्ट्रा, ये कूलर वगैरह में काम आ जाएगा। यहाँ से मैं बुलाई देनी होगी या फिर इसमें से दो आगे के निकालने होंगे, इसको मतलब थोड़ी सी बुलाई देनी होगी आगे की के लिए। ये शर्ट कट गई है, अब उससे ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट में हम इसको सिलना सिखाएंगे कैसे सिला जाता है। एक दो बार ट्राई करना होता है, उसके बाद आसान तो नहीं है इतना सीखना, लेकिन सब चीज़ आसान हो जाती है सीखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो भी अब सिलाई देखनी है वो प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, सिलाई की जितनी भी लेंगे वगैरह, शर्ट कार्नर लेंगे बिना अम्ब्रेला कट लेंगा कली वाला लेंगा, तो सबके मैंने प्ले लिस्ट बना के रख रखी, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। पहले भी मैंने साथ बोला तो आप जरूर देखना, अगर आपको समझ में आई तो कमेंट जरूर करना बताना, वीडियो पूरी देखना तो ही समझ में आएगा।